तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि सिबिल स्कोर किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि अपना खुद का सिबिल स्कोर आप फ्री में कैसे निकाल सकते हैं, और अगर आपका सिबिल स्कोर कम है तो आप उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि फ्यूचर में कभी भी आपको अगर लोन की ज़रूरत पड़ती है तो आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाएगा, और अगर वो कम हुआ तो या तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा या आपको दूसरों से महंगा लोन दिया जाएगा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर। ये दोनों ही बातें आप नहीं चाहते, नहीं ना, तो आप ये वीडियो एंड तक देखिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो इसमें आपका काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि हर मंडे हमारा स्मार्ट स्टॉक टिप का एक पावरफुल इन्वेस्टिंग वीडियो रिलीज हो जाता है जिसमें हम आपको इन्वेस्टिंग एडवाइस देते हैं। अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते, आपको करनी भी नहीं चाहिए मिस, तो आप बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो बढ़ते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। तो सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है सिबिल स्कोर, उसके बाद आपको ये वाला लिंक पर जाना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ पर जाने के बाद आपको गेट योर्स नाउ पे क्लिक करना है। गेट योर्स नाउ पे क्लिक करने के बाद सिबिल की वेबसाइट आपको एनकरेज करेगी कि आप पहले अपना अकाउंट तो बना लीजिए, उसके बाद ही आपको स्कोर दिखाया जाएगा। तो जिस तरह आप जीमेल पर अकाउंट बनाते हैं या फेसबुक पर अकाउंट बनाते हैं, अपनी सारी डिटेल्स आप एक एक करके यहाँ पर फॉर्म में भरिए, और ये 2-स्टेप प्रोसीजर है, आप फटाफट से अपना अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बनाने के बाद जैसे ही आप एंटर होते हैं तो आपको डैशबोर्ड पर ही आपका स्कोर लिखा हुआ दिख जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पर शो हो रहा है 781, और राइट साइड में आपको ये भी बताया जा रहा है कि देश के 19% लोगों का स्कोर 825 से 900 के बीच में है, 20% लोगों का स्कोर 800 से 824 के बीच में है, 21% लोग एवरेज स्कोर मेंटेन कर रहे हैं, और बाकी के बचे हुए 40% लोगों का स्कोर 700 से कम है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपका स्कोर 750 या उससे ऊपर है तो आप एक सेफ जोन में हैं, हर बैंक आप पे विश्वास करके आपको लोन दे सकता है। पर 750 से नीचे जाएगा अगर स्कोर तो हो सकता है 1 या 1.5% ज्यादा आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़े अपने लोन्स पर। अब ये तो हो गई स्कोर की बात, अब जान लेते हैं क्रेडिट रिपोर्ट कैसी दिखती है। तो आप देखिए ऊपर होम के बाजू में क्रेडिट रिपोर्ट नाम से एक बटन होगा, उसको प्रेस करते ही आपको आपकी क्रेडिट रिपोर्ट दिख जाएगी। यहाँ पर आपके पास 5 चीजें दिखाई देंगी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, अकाउंट इन्फॉर्मेशन एंड एंक्वायरी इन्फॉर्मेशन। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में देखिए जितने भी एड्रेसेस सिबिल के पास आपके रजिस्टर्ड हैं वो सारे एड्रेसेस यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, जितने भी नंबर किसी भी बैंक के पास आपके रजिस्टर्ड हैं वो सारे नंबर सिबिल के पास ऑटोमेटिकली पहुँच जाते हैं और वो सब कुछ डेटा यहाँ पर पॉपुलेट हो जाता है। उसके बाद अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो जितने भी लोन्स आपने ले रखे हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड की फॉर्म में हो या हाउसिंग लोन की फॉर्म में हो, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने अकाउंट इन्फॉर्मेशन में दिख जाती है। तो देखिए यहाँ पर फिलहाल एक ही इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड, उसके अलावा और कोई लोन नहीं लिया हुआ पास्ट में। अब जैसे ही मैंने एंक्वायरी इन्फॉर्मेशन पे क्लिक किया तो वहां पर देखिए 7 एंक्वायरीज दिखाई दे रही हैं, यानी पास्ट में 7 बार इस इंसान ने लोन्स के लिए एंक्वायर किया था बैंक्स में। तो जब आप लोन लेते नहीं है सिर्फ एंक्वायरी भी करते हैं तो बैंक वो इन्फॉर्मेशन भी सिबिल के साथ शेयर कर देता है, और ये सब कुछ डिटरमाइन करता है आपका सिबिल स्कोर। इसका मतलब यह हुआ कि आपको कम समय में ज़्यादा लोन की इंक्वायरी नहीं डालनी चाहिए, इससे सिबिल को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा क्रेडिट हंग्री हैं और आपको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है और आपका क्रेडिट स्कोर गिर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कम समय में ज़्यादा लोन की इंक्वायरीज आपको बैंक से नहीं करनी है। अगर आपने ये पूरा ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है और आपका क्रेडिट स्कोर आपको दिखाई नहीं दे रहा है या फिर उसकी जगह लिखा है NA या फिर NH, इसका मतलब आपने आज तक कोई लोन नहीं लिया, या फिर अगर लिया भी है तो उसका काफ़ी कम डेटा सिबिल के पास अवेलेबल है ये बताने के लिए कि आपका सिबिल स्कोर क्या है। सिबिल स्कोर निकालना तो काफ़ी इजी है, पर सिबिल स्कोर को इम्प्रूव करना और उसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल है अगर आपको उन बेसिक बातों के बारे में नहीं पता जिनकी वजह से ना चाहते हुए भी आपका सिबिल स्कोर डाउन हो जाए। तो अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ, जहां मैं आपको बताऊंगा किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है जिससे कि आप अपना सिबिल स्कोर इम्प्रूव भी कर सकते हैं और अगर बहुत ही अच्छा स्कोर है तो उसे गिरने से भी रोक सकते हैं। तो ये पार्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है रीपेमेंट हिस्ट्री। अब ये क्या है, सिबिल जब भी आपका सिबिल स्कोर कैलकुलेट करता है तो आपके पास्ट रिकॉर्ड्स चेक करता है, यानी आपने अपने लोन्स का जो रीपेमेंट है वो टाइमली किया है या नहीं किया है, ये सालों पुरानी लंबी हिस्ट्री को चेक करेगा। उस हिस्ट्री में अगर ये शो हो गया कि आपने फ्रीक्वेंटली अपने लोन का पेमेंट डिले कर दिया, ड्यू डेट के बाद पे करा, तो आपका सिबिल स्कोर कम हो जाएगा। और उसमें अगर ये शो हो जाता है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है
आप उसका पेमेंट टाइमली नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर टाइमली कर रहे हैं तो फुल पेमेंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मिनिमम अमाउंट पे कर रहे हैं जो रिसीप्ट में यानी बिल में लिखा हुआ आता है, तो भी आपका सिविल स्कोर कम हो जाएगा, क्योंकि आपको अपना क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हमेशा फुल में कर देना चाहिए। और फुल में ना करके आप दो नुकसान उठा रहे हैं, पहला नुकसान सिबिल स्कोर डाउन जा ही रहा है, दूसरा नुकसान आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल पर ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, क्योंकि जो भी डेट लंबे समय तक चलती है उसमें आपकी जेब से ज़्यादा पैसा निकल के जाता है। तो अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं या फिर अगर आपकी ईएमआई चल रही है तो अपने बैंक से ऑटो पे फंक्शनैलिटी एनेबल करवा लीजिए, ताकि कभी भी आप ड्यू डेट से पहले उसको पे करना भूल ना जाएं। और क्योंकि आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री गोल्ड की तरह चमकनी चाहिए, उसमें कभी भी ये नहीं मेंशन होना चाहिए कि आपने अपना पेमेंट डिले कर दिया। और पेमेंट डिले एक और कारण की वजह से हो सकता है, मान लीजिए आपका बैंक के साथ कोई डिस्प्यूट हो जाता है, डिस्प्यूट इन द सेंस मान लीजिए आपका कोई लोन चल रहा है और लोन आप टाइमली पे कर रहे थे, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, पर एकदम से बैंक ने कहा कि आपको थोड़े और ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे कुछ हिडन चार्जेस या कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगा करके, और ये चार्जेस आपको मंजूर नहीं है, तो आपने कर लिया बैंक से झगड़ा, उस झगड़े के चक्कर में आपने ईएमआई रोक दी एक महीना दो महीना तीन महीना जितने भी टाइम आपको वो झगड़ा सॉर्ट करने में लग रहा है, उस टाइम पर भी आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है और आपका सिबिल स्कोर डाउन जा रहा है। तो अगर डिस्प्यूट भी है तो भी या तो आप ईएमआई ना रोकें, और अगर रोक भी रहे हैं तो कोशिश करके वो डिस्प्यूट प्रायोरिटी पर लीजिए और उसको जल्द से जल्द सुलझा लीजिए और अपनी ईएमआई रिज्यूम करवा लीजिए। क्योंकि मान लीजिए आप बैंक से इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उस केस में बैंक की ही गलती है, आपकी गलती नहीं है, तो भी क्रेडिट स्कोर तो आप ही का नीचे जा रहा है, ये बात आपको खासकर ध्यान रखनी है। अगला जो पॉइंट आता है वो है क्रेडिट एक्सपोजर। इस पर आपका सिबिल स्कोर डिपेंड करता है पूरे 25%। अब क्रेडिट एक्सपोजर का क्या मतलब है, इसे हम क्रेडिट यूटिलाइजेशन भी बोलते हैं। मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड पर लिमिट मिली हुई है आपको 1,00,000 रुपए की, और आप उसमें से 90,000 या कभी कभी पूरा 1,00,000 ही यूज़ कर देते हैं, भले ही आप उस पूरे पेमेंट को ड्यू डेट से पहले चुका भी देते हैं, पर अगर आप यूटिलाइजेशन फुल कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपका सिबिल स्कोर नीचे जाना तय है, क्योंकि इससे ये शो होता है कि आप क्रेडिट हंग्री हैं, आपको हमेशा उधार की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो एक सेफ क्रेडिट यूटिलाइजेशन मेंटेन आपको करना है जो कि 30% होता है, यानी अगर आपका क्रेडिट कार्ड पे 1,00,000 रुपए की लिमिट मिली हुई है तो आप 30,000 रुपए ही खर्च करें, आप उससे ज़्यादा करेंगे तो ऐसा शो होगा कि आप क्रेडिट हंग्री हैं। क्रेडिट हंग्री ही आपको नहीं लगना है, इसी कारण से अगर आपकी ईएमआईज भी चल रही हैं और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट्स भी चल रहा है, तो ये सब मिला करके आपकी इनकम का 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी अगर आप 50,000 रुपये कमाते हैं तो 20,000 रुपये की ईएमआईज प्लस क्रेडिट कार्ड का बिल आप अफोर्ड कर सकते हैं, उससे अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो सिबिल को ये पक्का लग जाएगा कि आपकी इनकम तो है कम पर उधार लेने की आदत ज़्यादा है। अगला पॉइंट है क्रेडिट मिक्स। क्रेडिट मिक्स का मतलब ये होता है कि आपके पास कौन कौन से टाइप के लोन हैं। टाइप के लोन मतलब यानी अनसिक्योर्ड लोन्स कितने हैं और सिक्योर्ड लोन्स कितने हैं। अगर आपके पास अनसिक्योर्ड लोन्स ज़्यादा हैं, सिक्योर्ड लोन्स कम हैं, तो सिबिल आपका सिबिल स्कोर कम कर देगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप समझिए अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है। अनसिक्योर्ड लोन होता है क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन। सिक्योर्ड लोन्स क्या होते हैं, सिक्योर्ड लोन्स होता है होम लोन, कार लोन। तो आपको कोशिश करके अपने टोटल क्रेडिट लिमिट का 20% ही अनसिक्योर्ड लोन रखना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब क्रेडिट लिमिट कैसे निकालेंगे, सिंपल है, अपनी मंथली इनकम उठाइए, उसको आधा कर दीजिए, वो आपका मंथली क्रेडिट लिमिट है, और मंथली क्रेडिट लिमिट का 20% से ज़्यादा आपका ईएमआई या क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं होना चाहिए अनसिक्योर्ड लोन में। एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी इनकम 50,000 रुपये है तो 25,000 रुपये हो गई आपकी टोटल क्रेडिट लिमिट मंथली, और उसका 20% यानी 5,000 रुपये आपका होना चाहिए क्रेडिट कार्ड का बिल प्लस पर्सनल लोन की ईएमआई। इससे ज़्यादा होते ही आपका अनसिक्योर्ड लोन बढ़ने लगेगा, और अनसिक्योर्ड लोन बढ़ा तो सिबिल आपका सिबिल स्कोर गिरा देगा। सिमिलरली अगर आपने 3-4 महीनों के पीरियड में 3-4 लोन्स ले लिए तो भी सिबिल को ये लगेगा कि आपको उधारी की बहुत ज़्यादा आदत है या आप उतावले हो रहे हैं उधार लेने के लिए, और ये नेचर सिबिल को कतई पसंद नहीं है, तो सिबिल आपका स्कोर गिरा देगा। तो अगर आपको 1 से ज़्यादा लोन की रिक्वायरमेंट्स है भी तो आपको वो एक टाइम पर नहीं लेने चाहिए, 2 लोन्स के बीच में आपको अच्छा खासा गैप मेंटेन करना चाहिए, 6 महीने का एटलीस्ट।
अगला जो फैक्टर है वो है मल्टीपल इंक्वायरीज, जिस पर डिपेंड करता है 20% का आपका स्कोर। मल्टीपल इंक्वायरीज का मतलब अगर आप लोन नहीं ले रहे हैं पर लोन के लिए एवं इंक्वायरी कर दी बैंक में, पता तो करें कि क्रेडिट कार्ड पर आजकल इंटरेस्ट कितना चल रहा है या कार लोन कितने का मिल रहा है, तो उस केस में वो बैंक सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा सिबिल को कि ये बंदा एक दिन मेरे पास आके लोन के लिए पूछ के गया, और वो इन्फॉर्मेशन सिबिल के पास पहुंच जाएगी। और ऐसा आपने बहुत बार किया तो सिबिल को ऐसा लगेगा कि आप लोन लेने के लिए उतावले हो रहे हैं, क्योंकि आप बहुत सारी इंक्वायरीज जनरेट कर रहे हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। ऐसा नहीं है कि आप इंक्वायरीज लिमिटेड ही जनरेट कर सकते हैं अपनी पूरी लाइफ में, पर अगर आपने 2-3 महीनों में 10 लोन की इंक्वायरीज डाल दी अलग अलग बैंक्स में, तो ये आपके क्रेडिट स्कोर को गिरा देगा। अगला पॉइंट है आपका नाम। जी हाँ, नाम। अगर आपका नाम किसी दूसरे के लोन में अटैच्ड है, चाहे किसी भी तरीके से अटैच्ड है, और उस दूसरे बंदे ने लोन का पेमेंट डिफॉल्ट कर दिया, तो आपका क्रेडिट स्कोर भी नीचे। तो अगर आपका किसी के साथ जॉइंट लोन चल रहा है जिसका रीपेमेंट आप नहीं करोगे, बस आपका नाम जुड़ा हुआ है, तो आपका क्रेडिट स्कोर डाउन चला जाएगा अगर उस इंसान ने पेमेंट नहीं किया तो। सिमिलरली अगर आपका किसी के साथ एड ऑन क्रेडिट कार्ड चल रहा है जिसका भी रीपेमेंट आप नहीं कर रहे हैं, सामने वाला ही कर रहा है, पर अगर उसने नहीं करा तो आपका क्रेडिट स्कोर डाउन। या फिर आप किसी के लोन में गारंटर बन गए, ये बोल दिया आपने बैंक को कि अगर ये इंसान पैसे नहीं देगा तो आप देंगे, तो आप तो देंगे ही, पर आपका क्रेडिट स्कोर भी नीचे गिर जाएगा अगर उस बंदे ने पैसे नहीं दिए तो। या आपके नाम पर कोई पार्टनरशिप फर्म है या कोई कंपनी रजिस्टर्ड है और कंपनी ने अपना लोन डिफॉल्ट कर दिया, तो भी आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाएगा। तो जब भी आपके पास कोई आके बोले कि हमारे लोन में गारंटर बन जाओ, तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि क्या वो ट्रस्टवर्दी पर्सन है या नहीं है, क्योंकि अगर ट्रस्टवर्दी पर्सन नहीं है और आपने हल्के में ले लिया और आप गारंटर बन गए, तो कल को आपका सिविल स्कोर डाउन हो गया और आपको फ्यूचर में लोन की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा, आपकी गलती है भी नहीं उस वजह से। अगला जो पॉइंट है जिसका आपको खासकर ध्यान रखना चाहिए वो है इनएक्यूरेसीज, क्योंकि सिबिल को भी तो कभी गलती हो सकती है, बैंक को भी तो कभी गलती हो सकती है आपके रिकॉर्ड्स प्रॉपरली सिबिल के पास पहुंचाने में। ऐसे में सिबिल को अगर लगता है कि आप आज भी अपना पेमेंट डिले कर रहे हैं जबकि कोई पेमेंट बनता ही नहीं है, पेमेंट तो आप कब का कंप्लीट कर चुके, उस केस में अगर आपको कोई इनएक्यूरेसी मिलती है तो आपको सिबिल की वेबसाइट पर कंज्यूमर डिस्प्यूट फाइल करना चाहिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंज्यूमर डिस्प्यूट फाइल करने के बाद वो डिस्प्यूट जाएगा आपके रिस्पेक्टिव बैंक के पास कंफर्मेशन के लिए। अगर बैंक बोल देता है कि हाँ मेरी गलती है, मैंने सही से इन्फॉर्मेशन सिबिल तक नहीं पहुंचाई, तो सिबिल उस इन्फॉर्मेशन को रेक्टिफाई कर देगा और आपके स्कोर को रिस्टोर कर देगा। तो इन एक्यूरेसीज किस किस तरह से हो सकती हैं? हो सकता है कि आपने अपने क्रेडिट कार्ड का बिल या किसी भी लोन का पेमेंट पूरा कर दिया है और लोन खत्म हो चुका है, पर बैंक ने ये इन्फॉर्मेशन सिबिल को नहीं दी है कि आपका लोन खत्म हो चुका है, तो सिबिल की नज़रों में तो आपका लोन चले जा रहा है और आप मंथली कोई भी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो सिबिल आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री को नेगेटिव कर देगा और उस वजह से आपका स्कोर डाउन हो सकता है। सातवां पॉइंट है कि आपको अपने पुराने क्रेडिट कार्ड्स कभी भी बंद नहीं करने चाहिए जिनका आप रीपेमेंट भी टाइम पर कर रहे थे। क्यों? क्योंकि सालों पुरानी हिस्ट्री आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री को बहुत स्ट्रांग बना देगी, जो ये सजेस्ट करेगी कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल हमेशा टाइम पर पे करते आए हैं, और ऐसी हिस्ट्री सिबिल को बहुत पसंद है, सिबिल आपका सिबिल स्कोर बढ़ा सकता है और बढ़ाएगा, तो ओल्ड इज गोल्ड यहाँ पर आपका काम आएगा। आठवां और आखिरी पॉइंट ये कहता है कि आप ऐसे लोन्स ले सकते हैं जिनको लेने के लिए सिबिल स्कोर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, बैंक आपको आसानी से दे देगा, और जिनको चुकाते चुकाते आप अपनी रीपेमेंट हिस्ट्री को सुधार सकते हैं। यानी आप हर मंथ ड्यू डेट से पहले ईएमआईज पे कर दीजिए और रीपेमेंट हिस्ट्री मंथ बाय मंथ सुधरती जाएगी, और सुधरती हुई हिस्ट्री को देखकर आप सिबिल का ट्रस्ट वापस से जीत सकते हैं और सिबिल स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो कौन से ऐसे लोन हैं? ऐसे लोन्स मिल सकते हैं आपको एफडी के अगेंस्ट, शेयर्स के अगेंस्ट, गोल्ड के अगेंस्ट या आपके किसी भी असेट के अगेंस्ट। ऐसे लोन लेने के लिए आपको सिबिल स्कोर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। इवन क्रेडिट कार्ड भी एफडी के अगेंस्ट मिल सकता है आपको। तो दोस्तों, यही थे वो 8 ऐसे पॉइंट्स जिनको यूज़ करके आप अपना सिबिल स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं, और अगर ऑलरेडी इम्प्रूव्ड है तो मेंटेन भी कर सकते हैं, क्योंकि अब आप बन चुके हैं जागरूक। और जागरूक से मुझे याद आता है, अगर आप जागरूक जनता क्लब का पार्ट बनना चाहते हैं और हमें सपोर्ट भी करना चाहते हैं, हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं,
तो आप जा सकते हैं kadakmash.com पर, जहां पर आपको ये वाली टी शर्ट और दो और डिज़ाइंस मिल सकते हैं। आप उनमें से कोई सा भी डिज़ाइन परचेज करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ऑफकोर्स खरीदना ना खरीदना आपकी चॉइस है, पर अगर आप खरीदते हैं तो उससे हमें छोटा सा सपोर्ट मिलता है ताकि हम ये चैनल कंटिन्यू रख पाएं और आगे आप ही के लिए अच्छे वीडियोस बना पाएं। तो चलिए इसी के साथ साथ इस वीडियो को रैप अप करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, क्योंकि मेरे साथ साथ पूरी लेबर लॉ एडवाइज़र टीम को बहुत मोटिवेशन मिलता है जब भी वो लाइक का बटन ग्रे से ब्लू हो जाता है। और बाय द वे, क्या आप हमारी टीम को जानना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि इस कैमरा के पीछे और कौन लोग हैं? ये वीडियो एडिट कौन करता है? ये वीडियो की स्क्रिप्ट कौन लिखता है? तो कमेंट्स में हमें बताइए। हम भी बहुत एक्साइटेड हैं आपसे ये सारी चीज़ें शेयर करने के लिए। तो आप कमेंट्स में फटाफट हमें बताइए कि क्या आप ये सारी बातें जानना चाहते हैं, आप हमें ऑन अ पर्सनल लेवल जानना चाहते हैं कि नहीं। इसी के साथ हम मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जाते जाते आज के सवाल का जवाब दे दीजिए। जीतने वाले किसी एक लकी विनर को दिया जाएगा 51 रुपए का UPI कैश, जिसका रिजल्ट हम ब्लॉग पे पब्लिश करते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप हमसे लाइव बातचीत करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हर संडे वहां पर लाइव सेशन कंडक्ट होता है। और अगर आप वीडियो आने से पहले ही लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स एंड अपडेट्स पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके लेबर लॉ एडवाइजर सर्च करें और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और लेबर लॉ एडवाइजर के सभी सब्सक्राइबर्स जिन्होंने ज्वाइन बटन पर क्लिक करके एक मेंबरशिप ली है, उन्हें हम बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों की वजह से हमें सपोर्ट मिलता है नए वीडियोज़ क्रिएट करने का।